दिस इज़ अवर 34th डे ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी और आज है सैटरडे और सैटरडे को होता है हमारा द टेक्निकल रिवीजन डे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन डे के पीछे का विजन ये है कि संडे को आपको फुल टेस्ट देना होता है और फुल टेस्ट देने से पहले आपका सभी कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको फुल टेस्ट में। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रिवीजन कैसे करना है। ऑल्दो पिछले हफ्ते मैं बता चुका हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हुई है उस फुल रिवीजन डे के अंदर और मैं आपको एक नया स्केड्यूल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको कल को रिवाइज करना है सभी सब्जेक्ट्स। तो आपके पास होते हैं 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में से आपको 10 घंटे अलग निकालने हैं और 14 घंटे अलग। इस 14 घंटे के अंदर 7 घंटे आपके स्लीप के होंगे, डीप स्लीप के, क्योंकि जो रिवीजन डे होता है वो सबसे रिगरस डे होना चाहिए। बाकी दिन लीनियंट हो सकते हैं लेकिन रिवीजन डे बिल्कुल अलर्ट वाला दिन होना चाहिए, बिल्कुल मेहनत वाला दिन। तो आपको 7 दिन 7 घंटे जो निकालने हैं वो अलग स्लीप के निकालने हैं और बाकी के 7 घंटे जो आपके हो गए वो अलग हैं। इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको लाइन बारी से लिख लेना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक। आपको 10 चूज़ करने हैं और ये 10 चूज़ करने के बाद आपको उनके नाम लिख देने हैं लाइन बारी से, जैसे सोम हो गया, फ्लूड हो गया। ये आपको 10 चूज़ करने हैं 14 में से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। और आपको एक रूल याद रखना है रिवीजन डे का कि आप इस दिन सिर्फ वही पढ़ोगे जो आप पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो या फिर आपने ठीक ठाक पढ़ा है। जो आपने बिल्कुल आज तक हाथ ही नहीं लगाया उसको आप बिल्कुल देखोगे भी नहीं, आप सिर्फ उन चीज़ों को देखोगे जो आपने पहले पढ़ चुके हो। तो कल को आप जो रिवीजन डे में इस्तेमाल करोगे वो आप करोगे शॉर्ट नोट्स आपके प्लस हैंडबुक्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है, आपने बनाए नहीं है, तो आप यूज़ करोगे हैंडबुक्स जिसके अंदर सिंपल फॉर्मूले होते हैं, सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ रूटीन कैसे रखना है आपको। अब आपके जो 10 आवर्स हैं उनको आपको 10 विंडोज़ में या 10 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है और हर सेक्शन में क्या होगा 40 मिनट स्टडी या फिर रिवीजन और 20 मिनट का होगा ब्रेक। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे पहला सब्जेक्ट आपने उठाया सोम को आप लगातार 40 मिनट में रिवाइज करोगे जितना आप रिवाइज कर सको। इस रिवीजन में क्या होगा, इस रिवीजन में आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस 40 मिनट में सबको पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। कंप्लीट होए कोई बात नहीं, ना होए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करना जितना आप मैक्सिमम दे सको। पूरा रिगरस स्टडी आपको करनी है और 20 मिनट का आपको लेना है ब्रेक। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा जाओगे तो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी उतनी। और ये 20 मिनट का ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। कारण इसका यह है कि आपने 40 मिनट पढ़ने के बाद दूसरा स्टार्ट कर दिया 40 मिनट तो आप 2 या 3 तक ही पहुँच पाओगे और उसके बाद फिर आप थक जाओगे, आगे का ये सब आपका बेकार हो जाएगा। तो 20 मिनट इसलिए ही सोच के रखा गया है ताकि आप पूरे 10 तक आप बिल्कुल एफिशिएंटली कंप्लीट कर सको। तो आपने जैसे 40 मिनट सोम पढ़ा उसका 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 40 मिनट आपने फ्लूड पढ़ा 20 मिनट का ब्रेक लिया। इस तरह से मान लो आपने 3 विंडोज़ कंप्लीट कर दी, 3 पे आपने लगा दिया टिक, उसके बाद घर में आ गया काम कुछ तो आपको जाना पड़ा, तो उसमें क्या किया आपने, आपके पास जो 24 घंटे थे उसमें 10 घंटे तो ये रहे और जो बाकी बचे 7 घंटे आपके सोने के, तो 7 घंटे आपके पास बचे थे। अब इन 7 घंटे में से आपको 30 मिनट या 1 घंटा जो भी आपको काम का लगा उसको आप यहाँ पे एज अ लाइन बना लोगे कि आपने 1 घंटा यहाँ पे आपने काम कर लिया। उसके बाद फिर वापस से आप आओगे और 40 मिनट फिर से पढ़ोगे और 20 मिनट का ब्रेक लोगे। तो इस तरह से आपको 10 कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर आपकी जो पढ़ाई होगी वो होगी 40 × 10/60, लगभग 40/6, 6×6=36, 6 घंटे कुछ मिनट की आपकी इसके अंदर पढ़ाई होगी। 10 घंटे में से आपने 6 घंटे की एफिशिएंसी निकाली जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी है क्योंकि आप 40 मिनट लगातार आप पढ़ रहे हो उसके अंदर। अब दिमाग में आपके आएगा कि क्यों ना मैं 40-40 मिनट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ लूँ, मैं सभी सब्जेक्ट क्यों पढ़ूँ। इसका कारण यह है कि एक साइकोलॉजी होती है। मान लो आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया, कोई माइनर सब्जेक्ट, मान लो इरीगेशन कोई सब्जेक्ट है उसे आपने छोड़ दिया। अब कल आपने फुल टेस्ट दिया, अगर उसका इरीगेशन का एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आएगा ना तो आपके दिमाग में होगा कि मैंने इसको छोड़ दिया था यार सब्जेक्ट को, ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। मतलब ईजी क्वेश्चन भी आएगा तो आप तुरंत उसको छोड़ दोगे कि मैंने रिवाइज नहीं किया, टाइम इसमें लगेगा, और आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए आपको सब सब्जेक्ट रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो एवरेज जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो आपको करना ज़रूरी है। अगर आप एवरेज और इजी क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आप सिलेक्शन से एक कदम पीछे आ जाते हो। जो इजी और एवरेज क्वेश्चन होता है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है और जो टफ क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो वो आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो आपको पहले सिलेक्शन तक तो पहुंचना है फिर आप रैंक तक जाओगे। तो इसलिए आपको 10 के 10 सब्जेक्ट जो कि आपको आपने चूज़ किए हैं अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में उनको आपको रिवाइज करना है विद शॉर्ट नोट्स एंड हैंडबुक। और ये 40 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा और आपको 10 के 10 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं।
अब ये 10 घंटे तो आपके यहाँ पे आ गए, और इन 7 घंटे में से मान लो 4 घंटे आपने थोड़ा किसी भी काम में लगा दिए, खाने पीने इन सब में, अब 3 घंटे आपके फिर भी बच गए। अब 3 घंटे में से भी आप 1-2 घंटे निकाल के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस या फिर कुछ और कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपने इतना भी कर लिया तो देखना कल को फुल टेस्ट के अंदर आपके कितने ज़्यादा कितना ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, कितना हाई कॉन्फिडेंस होगा आपका। तो ये तो थी रिवीजन की आपकी टेक्निक जो आप कल को फॉलो करोगे रिवीजन करने के लिए, ताकि आप फुल टेस्ट बहुत अच्छे से दे सको। आपकी डेट भी आ चुकी है 14 नवंबर से 16 नवंबर तक एसएससी जेई की, और हमने तो ये एज्यूम किया था कि 1 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो भगवान ने आपको 14 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए। इन 14 दिन को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो देखेंगे, और इन 14 दिन को ही हम गेम चेंजर बना देंगे अपने सिलेक्शन के लिए। लेकिन फिलहाल सितंबर है हमारे पास, अक्टूबर है पूरा का पूरा। इन 14 दिन को अभी एक्सक्लूड करके रखो, इन 2 महीने में ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, इन 14 दिन को हम बाद में देखेंगे। तो ये तो था आपका द रिविज़न डे का स्केड्यूल, कैसे आपको करना है। आपके कोई भी डाउट होंगे या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे द सिविल बंदा मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो मुझे। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।